रामायण पूर्ण भैरो बाबा रहन कोई बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ये हर हर महादेव के साथ तैयारी है और इसी तरह से प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यहाँ पर पहले मंत्रोच्चारण और फिर डमरू के साथ जो शिव के भक्त हैं वो इसी तरह से स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे। धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ये मंदिर है। और पहले जो लगातार आपको दूर से दिखता नहीं था, अब वो मंदिर भव्य मंदिर दिव्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि आप गंगा जल लेकर सीधे आएंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो आए हुए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बदला हुआ स्वरूप है उसको किस तरह से देखते हैं, कितनी बदले हैं। जो भोले बाबा जो हैं वो एक तरह से बंधे हुए थे लेकिन अब खुले हुए भोले बाबा हैं, लोग आए हुए हैं। आप बताइए भोले बाबा इस तरह से कभी कल्पना की थी कि ऐसा दिखेंगे भोले बाबा? कल्पनीय है, कुशोर जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एरावे बाबा पुराने बाबा विश्वनाथ जी हैं, लगा रहा बनारस में हम लोग पता नहीं कहाँ चले हैं, सिर्फ स्वर्ग में चले हैं मानसरोवर में। आती रहती हूँ लेकिन ये जो सीन है अद्भुत अविकल्पनीय अविस्मरणीय है, जिस पल को हम देख रहे हैं अपनी आँखों से साक्षात। और मतलब आज हम लोग किस तरीके से महादेव ने बुलाया है कि मोदी जी बनारस में आए और बनारस का भाग्य खुल गया, महादेव का पूरा ये आप देख रहे हैं, इतना सुंदर, मतलब कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा बन सकता है। ओ मायन पूर्ण भैरो बाबा रहन कोई बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी,